रिसेंटली आपने सुना होगा अमेरिका के दो बैंक बर्बाद हो चुके हैं, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक। सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक की बात करते हैं। कोई छोटा मोटा बैंक नहीं था, 1983 में बनाया गया था ये बैंक, 40 साल हो चुके हैं और अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, कमर्शियल बैंक था। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है कि ये नॉर्मल लोगों के पैसों में डील नहीं करता, स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनके पैसों से ये खेल खेलते हैं। अब यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक के बर्बाद होने के पीछे एक कील को 3 बार ठोका गया। पहली बार जब कील ठुकी दर्द हुआ, दूसरी बार उस कील पे एक बार और हथौड़ा मारा गया तो वो घाव गहरा हो गया, तीसरी बार फिर एक बार हथौड़ा मारा गया, बैंक खत्म। अब ये हुआ कैसे? पहली कील तो सिलिकॉन वैली बैंक ने खुद ही ठोक ली अपने आप। कैसे ठोकी? जैसे हम लोग बिजनेसेस करते हैं तो हमारा एम यही रहता है कि हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस से जुड़े। बैंकिंग भी एक टाइप का बिजनेस ही है। कैसा बिजनेस है? बैंकिंग में पैसे का बिजनेस होता है। पैसा लोगों से लिया जाता है, उनको एक इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया जाता है, वो पैसा आगे दिया जाता है ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, वहां से जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है उसमें से अपना वाला पार्ट अपने पास रखा जाता है, बाकी का जहां से पैसा उठाया था उनको दे दिया जाता है। आप बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं, आपके पैसे का भी यही होता है। बैंक्स आपके पैसे को कहीं लगाते हैं, वहां से ज्यादा पैसा उनको मिलता है, आपका इंटरेस्ट रेट आपको दे देते हैं। जैसे इंडिया में 3% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है नॉर्मल बैंक अकाउंट में, जो बैंक्स होते हैं ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट और ज्यादा पैसा बना लेते हैं, आपको 3% दे देते हैं। ऐसे ही सारी दुनिया में होता है। अब सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें या फिर अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वहां पर जो नॉर्मल बैंक अकाउंट में, जैसे इंडिया में 3% के आसपास एवरेज इंटरेस्ट रेट मिलता है, वहां पर जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो 1.17% है। यानी कि बैंक्स अलग अलग इंटरेस्ट देते हैं लेकिन एवरेज जो है वो 1.17% है। बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका का काफी बड़ा बैंक है, वो 0.96% इंटरेस्ट रेट देता है। अब ये बैंक्स के अंदर कॉम्पिटिशन चलता है। जब बैंक्स में कॉम्पिटिशन चलता है तो वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को चाहते हैं कि वो उनको ज्वाइन करें। उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। सिलिकॉन वैली बैंक ने यही गलती करी। उन्होंने ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 2.33% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करा, यानी कि जो मार्केट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काफी ज्यादा। तो भाई लोगों को लगा कि जब 2.33% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हम दूसरे बैंक में क्यों पैसा रखें, सिलिकॉन वैली बैंक में रखते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोगों ने अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया। ये पहली कील थी जो सिलिकॉन वैली बैंक ने खुद ठोक ली। अब इस कील के ऊपर दूसरा हथौड़ा मारा ग्लोबल कंडीशंस ने। ग्लोबल कंडीशंस क्या होती हैं? आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से, पहले कोरोना पैंडेमिक फैला पूरी दुनिया में, उसके बाद वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, वहां से जो ऑयल सप्लाई है और जो एनर्जी की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड। तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। सेंट्रल बैंक्स कौन से होते हैं? जैसे इंडिया में RBI सेंट्रल बैंक है, ऐसे अमेरिका में फेडरल बैंक है, वो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। ये इंटरेस्ट रेट किसके लिए बढ़ाते हैं? ये बढ़ाते हैं नॉर्मल बैंक्स के लिए। ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं इनका काम होता है पैसा प्रिंट करना और पैसे को आगे मार्केट में फैलाना। ये किसके थ्रू पैसा फैलाते हैं? ये छोटे मोटे बैंक्स के थ्रू पैसा फैलाते हैं। जैसे इंडिया में RBI है, वो सेंट्रल बैंक है, वो इस पैसे को इंटरेस्ट पे आगे दूसरे बैंक्स को देता है, जैसे SBI, HDFC, एक्सिस, PNB, ये सारे बैंक्स को पैसा दिया जाता है इंटरेस्ट रेट पे। ये सारे बैंक्स RBI से एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेते हैं आपको, या आगे मार्केट में उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आगे बढ़ाने के लिए चढ़ा देते हैं। तो फेडरल बैंक अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। जब सिचुएशन ठीक थी उनका इंटरेस्ट रेट कम था, जब इंटरेस्ट रेट कम था तो ये जो बैंक्स थे अमेरिका के, ये भी आगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहे थे पैसा देने के लिए। किसको पैसा दे रहे थे? किसी को भी। आपको पैसा चाहिए, घर खरीदना है, पैसा ले लो लोन पे, गाड़ी खरीदनी है लोन पे पैसा ले लो, कोई बिजनेस चलाना है लोन पे पैसा ले लो। इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है क्योंकि पीछे से हमें कम मिल रहा है तो हम भी आपको आगे कम ही दे रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, भैया रिक्वायरमेंट है नहीं, 4-4 बंगले खरीद लिए, सस्ते में मिल रहा है यार, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा नहीं है, खरीद लेते हैं। हर चीज फालतू की खरीदनी शुरू कर दी, खर्चे बढ़ा दिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब महंगाई बढ़ जाती है। अब सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, जब महंगाई बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया था ना, तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि पीछे से बढ़ गया तो भाई आपका भी बढ़ेगा। अब पहले आप जितना पैसा दे रहे थे घर के लोन के इंटरेस्ट के लिए, अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जब आप ज्यादा पैसा देंगे तो उससे क्या होगा कि आप दूसरे खर्चे कम करेंगे। जब दूसरे खर्चे कम करेंगे तो वहां पर लॉस किसको होगा? लॉस होगा बिजनेसेस को। बिजनेसेस पूछेंगे आपसे कि भाई खर्चे क्यों कम कर रहे हो, पहले आप हफ्ते में 4 दिन पार्टी करते थे,
अब आप दो ही दिन पार्टी कर रहे हो, ऐसा क्या दिक्कत है? आप बताओगे कि भाई पैसे नहीं है, लोन में ज़्यादा पैसा लग रहा है, इंटरेस्ट में पैसा देना पड़ रहा है। बिजनेसेस क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है भाई अगर ऐसी बात है तो हम अपनी चीज़ों का प्राइस कम कर देते हैं। आप चार दिन पार्टी कर रहे थे, 3,000 रुपये पर पर्सन हम चार्ज कर रहे थे, अब हम 1,500 रुपये चार्ज कर लेंगे। आप पार्टी करनी कंटिन्यू रखो, हमें भी पैसा चाहिए, बिजनेस चलाना है। तो ऐसे करके वो जो महंगाई वाली सिचुएशन है वो धीरे धीरे फिर से कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसलिए सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते घटाते हैं वो सब करते रहते हैं। अब हुआ ये, जब सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने कस्टमर्स को 2.33% का इंटरेस्ट ऑफर किया था, तो उनका काम था कि हमें ये पैसा आगे लगाना है कहीं पर, और ऐसी जगह लगाना है जहां पर हमें 2.33% से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिले, जिससे कि आधा बचा हुआ इंटरेस्ट हम अपने आगे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दे दें और बाकी हमारा प्रॉफिट रह जाए। अब बैंक्स थोड़ा सेफ खेलना पसंद करते हैं, ज़्यादा इधर उधर पैसा नहीं लगाना कि डूब जाए। ऐसे में वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड्स खरीदते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है, जो देश की सरकार होती है उनको देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सड़कें बनानी है, पैसा चाहिए होता है। तो वो एक पेपर एग्रीमेंट बना देते हैं जिसको बॉन्ड बोलते हैं। अब सरकार है या पार्टी है या कंपनीज भी होती हैं, उनके भी बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको पैसा चाहिए होता है तो वो बॉन्ड्स बना देते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई हमें पैसा दे दो, हमें अपने काम में चाहिए, ज़रूरत है, आप बदले में ये पेपर एग्रीमेंट पकड़ो, इसको बॉन्ड बोलते हैं, बदले में हम आपको यील्ड दिया करेंगे। यील्ड क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट होता है ना, ऐसे यील्ड होता है। अब वो जो यील्ड होगा ये इतना होगा, फिक्स होगा ये इस वाले बॉन्ड के ऊपर। तो बैंक्स सेफ खेलने के लिए ये बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। सेफ कैसे हैं कि यहाँ पर पैसा सेफ है, डूबेगा नहीं। अब लेकिन यहाँ पर कुछ हिडन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहली कंडीशन तो ये है कि दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है होल्ड टू मैच्योरिटी और दूसरा होता है अवेलेबल टू सेल। होल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि एक लॉक इन पीरियड आप बोल सकते हैं, या फिर इस टाइम से पहले सरकार अपना वो बॉन्ड वापस नहीं लेगी। मान लीजिए सरकार ने आपसे कहा था कि ये बॉन्ड पकड़िए, मुझे इतना पैसा दे दीजिए और बदले में मैं आपको इतना यील्ड दूंगा, 10 साल तक आप मेरे से वापस ये बॉन्ड लेकर मेरे पास नहीं आएंगे कि अपना बॉन्ड वापस पकड़ो, मेरा पैसा वापस करो, 10 साल तक आप अपना पैसा नहीं मांगेंगे। इसको बोलते हैं होल्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि आपको मैच्योरिटी तक वेट करना पड़ेगा। दूसरे टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जिसमें सरकार कहती है यील्ड कम मिलेगा, लेकिन ये होल्ड टू मैच्योरिटी वाली कंडीशन हम हटा देंगे, जब आपका मन करेगा तब अपना वापस कर देना बॉन्ड और पैसा ले जाना, उसको बोलते हैं अवेलेबल टू सेल। अब लालच आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि आपने आगे 2.33% प्रॉमिस कर रखा है तो आपको भी ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर ले लोगे होल्ड टू मैच्योरिटी वाला। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने होल्ड टू मैच्योरिटी वाला आंख बंद करके ले लिया था, वहाँ पर भी एक चीज़ थी। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप होल्ड टू मैच्योरिटी वाला सरकार से ले लो, सरकार कह रही है कि वो नहीं खरीदेगी, अपना बॉन्ड वापस नहीं लेगी, आपको पैसा नहीं देगी 10 साल तक, हम खरीद लेंगे आपसे, आप हमसे पैसा ले लेना, बदले में जो सरकार से यील्ड आएगा वो हम सरकार से ले लिया करेंगे। तो आपको ये फायदे का सौदा लगता है, आपको लगता है कि भाई ठीक है ये तो अवेलेबल टू सेल जैसा ही हो गया, इस बंदे को बेच देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, आपने होल्ड टू मैच्योरिटी वाला ले लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि सरकार को पैसे की जरूरत बार बार पड़ती है, आगे भी पड़ेगी भविष्य में, और जैसी ग्लोबल कंडीशंस होती हैं, जैसी मार्केट की कंडीशन होती है, उस हिसाब से जो सरकार यील्ड देती है वो भी बढ़ता घटता रहता है। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि सरकार ने कुछ नए बॉन्ड्स निकाले, पैसे की जरूरत थी, और वो बॉन्ड्स फिर सरकार मार्केट में लेके आई कि भैया ये बॉन्ड ले लो, हमें इतना पैसा चाहिए। उस बॉन्ड में जो यील्ड है वो अब की बार सरकार ज़्यादा दे रही है, फिर वहाँ पर कोई बैंक या कोई पार्टी रेडी हो गई, उन्होंने कहा ये पैसा पकड़िए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, ये बॉन्ड आप हमें दे दीजिए, ये यील्ड हम ले लिया करेंगे आपसे। सरकार ने अपना पैसा लिया, बॉन्ड आगे पकड़ा दिए, और ये जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले एक बैंक को प्रॉमिस कर रहे थे कि हम आपसे आपका बॉन्ड ले लेंगे, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि हम खरीद लेंगे बॉन्ड जब आप बेचना चाहोगे, ऐसे ही उनको भी बोल देते हैं कि आप भी होल्ड टू मैच्योरिटी वाला ले लो, जब बेचना चाहोगे हम आपसे खरीद लेंगे। तो सिचुएशन मतलब अंडर कंट्रोल रहती है, सब कुछ सही है। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या कर रखा था कि इनके पास जो पैसा आ रखा था इन्वेस्टर्स का वो था काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें से $91 बिलियन तो इन्होंने होल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में लगा रखे थे, और $26 बिलियन इन्होंने लगा रखे थे अवेलेबल टू सेल वाले में। और जो होल्ड टू मैच्योरिटी वाले थे उसमें मॉर्गेज सिक्योरिटी वाले जो बॉन्ड्स थे उनमें इन्होंने पैसा लगा रखा था $80 बिलियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था। अब दिक्कत ये हुई कि उन बॉन्ड्स में जो इन्हें यील्ड मिल रहा था वो मिल रहा था 1.23%। अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने प्रॉमिस कर रखा 2.33% देंगे, तो ये तो लॉस में है, अब क्या करें। अब इन्हें याद आया कि यार कुछ लोग हैं जो खरीद लेते हैं बॉन्ड्स को, उन्होंने कहा था, ये उन बॉन्ड्स को लेकर उन लोगों के पास जाते हैं। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ समझा के, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी होता है उसके पास जाते हैं, मार्केट होती है बॉन्ड सेल परचेज की, जैसे स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, कंपनी के शेयर्स सेल परचेज करते हैं, ऐसे ही बॉन्ड्स भी सेल परचेज होते हैं। तो जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो
लोगों के सामने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपके बॉन्ड्स पर 1.23% का यील्ड मिल रहा है। याद है बाद में मैंने बताया था ग्लोबल कंडीशंस चेंज हुई थी तो सरकार दूसरा बॉन्ड लेकर आई थी जिस पर वो ज़्यादा यील्ड दे रही थी, वो लोग भी अपना बॉन्ड मार्केट में लिए बैठे हैं, उन्हें भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो जो खरीदने वाले हैं वो 1.23 यील्ड वाला खरीदेंगे या उससे ज्यादा यील्ड वाला? ऑब्वियसली बात है वो तो ज्यादा यील्ड वाला खरीदेंगे यार, कौन अपना नुकसान कराना चाहेगा। लेकिन वो 1.23 यील्ड वाला भी खरीद लेंगे, कंडीशन ये है कि उस प्राइस में नहीं खरीदेंगे जिस प्राइस में आपने सरकार से खरीदा है, वो थोड़े कम में खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यील्ड कम मिल रहा है यार। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने सोचा कि यार नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस कर रखा है 2.33% का इंटरेस्ट देंगे लेकिन हमें कम मिल रहा है, और ये खरीदने वाले या तो कह रहे हैं कि कम में बेच दो, अब हम क्या करें। तो उनको रियलाइज हुआ कि लॉस तब तक लॉस नहीं होता जब तक वो चीज आप बेच ना दो, वो लॉस पेपर पर ही तो है। कल को ग्लोबल कंडीशंस फिर से चेंज हो सकती हैं, फिर से हो सकता है कि सरकार नए बॉन्ड लेकर आए, उनमें जो यील्ड होगा वो हमारे 1.23% से भी कम होगा और तब हमारी यील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तब हम फिर इसको महंगे में उस टाइम पे बेच देंगे। अभी और पेपर पे लॉस चल रहा है लेकिन उस टाइम पे हम महंगे पे बेच देंगे, सब अपना मैनेज हो जाएगा, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमसे कोई इन्वेस्टर्स अभी पैसा मांगने थोड़ी आ रहे हैं, जब आएंगे तब की तब देखे जाएंगे। अवेलेबल टू सेल वाले भी तो थोड़े से हमने ले रखे हैं $26 बिलियन के, उसमें से मैनेज कर लेंगे। ये सारा सिलिकॉन वैली बैंक का चल रहा था तो सिचुएशन सब अंडर कंट्रोल थी, लेकिन ये कील में दूसरा हथौड़ा था जो लग चुका था, इसका दर्द हो रहा है, घाव गहरा हो गया, लेकिन अभी तक बैंक जिंदा है। अब बैंक को खत्म करने के लिए कील में तीसरा हथौड़ा मारना बाकी रह गया है और वो लगा स्टार्टअप विंटर के नाम से। स्टार्टअप विंटर क्या होता है वो समझ लेते हैं। स्टार्टअप, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेसेस में क्या था, स्टार्टअप्स को फंडिंग चाहिए होती है बिजनेस चलाने के लिए। इंडिया में भी आप काफी टाइम से सुन रहे होंगे कि फलाने स्टार्टअप ने $1 मिलियन की फंडिंग उठाई, $1 बिलियन की फंडिंग उठाई। हम भी ये सब सोचते रहते हैं कि यार कहां से फंडिंग उठा रहे हैं, कौन इनको पैसे दे रहा है। इनकी रिपोर्ट आती है एनुअल रिपोर्ट, उसमें तो दिखता है कि रेवेन्यू कुछ है नहीं, प्रॉफिट हो नहीं रहा, लॉस बढ़ते जा रहे हैं हर साल, कौन लोग हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। लेकिन ये बिजनेसेस कन्विंस कर लेते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उनको बोलते हैं आज आप पैसा लगाओ, अभी हम कैश बर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं जहां पर हम कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं ज़्यादा पैसा लगा लगा के। एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की पकड़ हो जाएगी, कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, हमारे प्रोडक्ट में फीचर बढ़िया रहेंगे तो हमारा प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकेगा, तब हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और उस टाइम पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास पैसा भी होता है तो वो लगाते रहते हैं, वो इनकी अपनी रिसर्च करके बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि जो ये बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है, तो वो रिस्क लेते हैं, पैसा लगाते हैं, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है, बिजनेसेस चलते रहते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है स्टार्टअप विंटर में, जब वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि यार अब तो मेरा पैसा भी थोड़ा सा खतरे में है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक होती है, अब इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते, अब हम इतना ज़्यादा पैसा नहीं बांट सकते, जितना दे दिया दे दिया, अब थोड़ी देर सिचुएशन को कंट्रोल करके रखते हैं। ये सारी ग्लोबल कंडीशंस होती हैं जो क्रिएट किए जाती हैं, आपको पता नहीं चलता लेकिन पीछे पीछे सब पावरफुल फैमिलीज का काम होता है, वो चलता रहता है, तो वो स्टार्टअप्स को आगे पैसा नहीं देते। अब स्टार्टअप्स के साथ क्या सिचुएशन हुई, बिजनेस बना के खड़ा कर दिया था, फंडिंग पहले से थोड़ी बहुत मिली हुई थी तो बिजनेस चल रहा था, अब इस बिजनेस को बिना फंडिंग के बीच में थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो अब वो सोचते हैं क्या करें यार पैसा मिल नहीं रहा। फिर उनको याद आता है कि यार पहले भी तो हमने फंडिंग उठाई थी 6 महीने पहले, उस फंडिंग का यूज़ कर लेते हैं, वो फंडिंग कहाँ गई। फिर वो याद आता है कि यार वो फंडिंग तो हमने सिलिकॉन वैली बैंक में डाल रखी थी। याद है मैंने शुरू में बताया था कि कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने 2.33% का लालच दिया था। वो कस्टमर्स कोई इंडिविजुअल नहीं, वो ये स्टार्टअप्स ही होते हैं क्योंकि ये एक कमर्शियल बैंक है, ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था। तो स्टार्टअप्स को जो फंडिंग मिलती है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, $100 मिलियन की फंडिंग मिली तो सिलिकॉन वैली बैंक में डाल दिया, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 2.33%, यानी कि $2.33 मिलियन। तो स्टार्टअप्स के लिए तो ये फायदे का सौदा था, तो उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में अपना पैसा डाल रखा था। अब आगे उन्हें फंडिंग मिल नहीं रही, उनको याद आया सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक से जाके पैसा निकालो, बिजनेस तो चलाना ही है। वो पहुंचे बैंक के पास कि भैया पैसा दो, बिजनेस चलाना है, हमें फंडिंग नहीं मिल रही। तो बैंक को हल्का सा तो डर लगा, लेकिन उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, पहले तो अपने अवेलेबल टू सेल वाले जो बॉन्ड्स थे उनको बेचना शुरू करा, थोड़ा सा वहाँ पर लॉस हुआ पर चलो देखा जाएगा, करेंगे मैनेज, वहाँ से जो पैसा आया वो देना शुरू करा। उसके बाद स्टार्टअप विंटर वाला कोई एक कंपनी के साथ सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन तो हर स्टार्टअप के साथ हो रही है, मार्केट में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो सारी ही कंपनियां सारे ही स्टार्टअप्स आने लगे थोड़ा थोड़ा पैसा मांगने। अब इनके पास पैसा हो गया खत्म, अब क्या करें, तो इन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू किया अपने इन्वेस्टर से कि भैया एक साथ मत मांगो सारा पैसा, थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। तो पहले तो इन्वेस्टर्स को वहीं डाउट हो गया
कि बैंक ऐसा क्यों कह रहा है, बैंक के पास तो पैसे होने चाहिए, हमारा पैसा हम जब मांगे इन्हें, इनका फर्ज बनता है कि ये वापस करें, तो वहीं पर थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो गई। फिर बैंक ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सोचा कि कहीं से पैसा उठा लेते हैं, ब्याज पे उठा लेते हैं, इंटरेस्ट पे उठा लेते हैं, कर्जे पे उठा लेते हैं, जैसे मर्जी उठा लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा उठा के सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन पैसा तो इनको मिला नहीं, ये बात मार्केट में और फैल गई कि भाई फलाने बैंक में या फिर सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा खत्म हो चुका है, इन्वेस्टर्स को देने के लिए पैसा है नहीं। मार्केट में बात फैली तो अगले ही दिन स्टॉक मार्केट में इनका शेयर प्राइस 60% नीचे और ट्रेडिंग रुक गई, शेयर बिकने बंद हो गए। वहां पर सिचुएशन हो गई खत्म, बैंक बर्बाद। तीसरी जो कील थी, कील तो वही थी लेकिन तीसरा जो हथौड़ा था वो लग गया स्टार्टअप विंटर के नाम से। अब जब बैंक बर्बाद हो गया, सिचुएशन हाथ से निकल गई, तो सरकार एक्टिव हुई, अमेरिका की सरकार एक्टिव हो गई और उन्होंने FDIC को काम सौंपा। FDIC वहां की संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यही फुल फॉर्म है, शायद स्क्रीन पर देख लेना आप। तो उनको काम सौंपा और उनसे कहा कि भाई सिचुएशन को कंट्रोल में करो, क्या करना है देखो। तो FDIC का वहां पर काम होता है कि जो पैसा जमा है लोगों का बैंक्स के अंदर, उसमें इंश्योरेंस करके रखते हैं वो, कि कितना भी पैसा आपका जमा है एक पर्टिकुलर अमाउंट की हम जिम्मेदारी लेते हैं, इतना पैसा हम आपको दे देंगे। हर कंट्री में ये अमाउंट अलग अलग होता है। इंडिया में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, अगर किसी भी बैंक में आपने पैसे डाल रखे हैं और वो बैंक डूब जाता है तो 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। क्या मतलब कि आपने 7 लाख डाल रखे थे या 70 लाख डाल रखे थे, हम सिर्फ 5 लाख आपको देंगे, उससे ऊपर का हमें नहीं पता, बाकी का आप जानो। ऐसे ही अमेरिका में $2.5 लाख की ये लिमिट है, उससे ऊपर का अमाउंट बाद में देखा जाएगा जब सिचुएशन कंट्रोल होगी, अभी आपको $2.5 लाख मिलेंगे। तो FDIC एक्टिव हो गई, उन्होंने एक नया बैंक बना दिया, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लेरा। सेंटा क्लेरा जगह का नाम है, इसी जगह पर सिलिकॉन वैली बैंक था तो उसी जगह पर एक नया बैंक बना दिया गया, और जितने भी डिपॉजिटर्स का इंश्योरेंस अमाउंट का जो डेटा था वो इस बैंक के अंडर ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि $2.5 लाख तक का जो अमाउंट है वो सबका मिल जाएगा स्टार्टअप्स का, बाकी का अभी लटका हुआ है बीच में, सिचुएशन जैसी रहेगी ऑडिट होगा, देखेंगे क्या किया जा सकता है उसके हिसाब से करेंगे। कितना टाइम लगेगा ये नहीं कह सकते, 2 दिन 4 दिन, 2 साल 4 साल 10 साल 10 जन्म कुछ भी लग सकता है, वो बाद की बात है। अभी आप अपना $2.5 लाख पकड़िए, बाद की बात बाद में करेंगे। अब यहाँ पर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कि $2.5 लाख में घर चल जाएगा। स्टार्टअप्स की हो गई दिक्कत, अब वो क्या करें, पैसा तो फंस गया, अब वो या तो सर्वाइव करेंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले तो सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे कि भाई अपने खर्चे रोक लो अभी और कम से कम पैसे में सर्वाइव करने की कोशिश करो, नहीं हो पाएगा तो कल को बंद तो होना ही है। खर्चे सबसे पहले कैसे रोकेंगे, लोगों को काम से निकालो, फालतू की सैलरी नहीं देनी, तो ले ऑफ्स होने शुरू होंगे। अब पता चला घूम फिर के आपकी लाइफ पे कैसे कंट्रोल है कुछ पावरफुल फैमिलीज का, आपकी नौकरी जानी शुरू हो जाएगी, इसके बाद भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो जो स्टार्टअप्स हैं वो बंद होने शुरू हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन पूरी चली रही है। अब सिलिकॉन वैली बैंक तो हो गया बर्बाद, लेकिन उनके बर्बाद होने के बाद जो उनके इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे वो तो डूबे, लेकिन दूसरे जो इन्वेस्टर्स थे दूसरे बैंकों के, वो भी थोड़े एक्टिव हो गए। उनके दिमाग में आया कि यार ये बैंक डूब गया, हमारे बैंक की क्या सिचुएशन है, कहीं उसके साथ भी तो यही नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे सब में डर का माहौल आ गया, उन्होंने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी, अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर लिया अपने बैंक से कि भैया हमारा पैसा वापस दो, हमें लग रहा है डर। ऐसा जो दूसरा बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक के जैसा, वो था सिग्नेचर बैंक। इनके साथ दिक्कत क्या थी कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो कर रखी थी क्रिप्टो में, क्रिप्टो मार्केट की क्या हालत चल रही है वो हम सबको पता है। तो इनके जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी अपना पैसा मांगना शुरू करा, इनके पास भी पैसा नहीं है भैया, क्योंकि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नेगेटिव चल रही है, सबको पता है, ये भी लॉस में चल रहे थे। अगला बैंक सिग्नेचर बैंक भी सीधा स्टेडियम से बाहर। और इस तरीके से ये अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर की सिचुएशन खराब हो चुकी है, क्योंकि अभी दो बैंक गए हैं लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से बाकी सारे बैंकों के ऊपर तलवार लटक रही है। अब जिसने भी उल्टी सीधी रेशो में इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बैंक्स ने, वो सब धीरे धीरे ऐसे ही आउट होंगे। ये सिचुएशन इंडिया में हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम सारे वर्ल्ड का सिमिलर होता है, वो पैसा उठाते हैं कम इंटरेस्ट पे, आगे ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में वो इधर उधर लगाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ज़्यादा अमाउंट है, एज एन इंडिविजुअल मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा अमाउंट है तो एक ही बैंक अकाउंट में सारा अमाउंट अपना मत रखिए, अलग अलग बैंक्स में आप मल्टीपल अकाउंट्स अपने खोल के रखिए और कोशिश कीजिए 5-5 लाख करके ऐसे आप इन्वेस्ट करके रखें, ज़्यादा ना करें एक ही उसमें, क्योंकि अगर वो बैंक डूबता है तो आपका पैसा डूब जाएगा। और थोड़ी सी रिसर्च करके रखिए कि आपका बैंक आगे उस पैसे का क्या कर रहा है। यहाँ पर जो सिलिकॉन वैली बैंक ने सबसे बड़ी गलती करी वो ये करी कि उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे लेकिन
होल्ड टू मैच्योरिटी वाले, यानी कि जिनमें एक पीरियड था कि उस पीरियड से पहले वापस नहीं बेच सकते, वो वाले ज़्यादा खरीद लिए, और जो अवेलेबल टू सेल वाले थे वो कम खरीदे। तो आप ये थोड़ी रिसर्च कीजिए कि आपका बैंक पैसा कहाँ लगा रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि गलत जगह लगा रहा है तो थोड़ा सा अपने पैसे को हिलाइए, एक जगह से दूसरी जगह कीजिए। तो आगे का डिसीजन लेने का काम आपका और आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल आपका नहीं है, कुछ पावरफुल फैमिलीज का है, ग्लोबल कंडीशंस का है। तो उस हिसाब से अपना जो फाइनेंशियल एक्सपोजर है आपका, उसको कंट्रोल रखिए और फाइनेंशियल लिटरेसी अपनी इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।